गाइस एयरपोर्ट के अंदर पूरा मार्केट एरिया, तो उसी के चलते आज ये इंडिया गेट आप लोगों को देखने को मिल रहा है गाइस। और दूसरी लोकेशन पे मिलते हैं, हड़का खाना मिल रहा है आफ्टर 1 वीक। हेलो गाइस, दिस इज भास्कर, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल मुसाफिर फूड 401 एंड फिर से वेलकम करता हूँ मेरे चैनल पे गाइस। केदारनाथ यात्रा व्लॉग के बाद ये 5 नंबर वाला व्लॉग है। एक्चुअली वो एपिसोड में नहीं आने वाला है, सिर्फ ये एक ही व्लॉग बनने वाला है। ये व्लॉग बनने वाला है दिल्ली का। मैं अभी दिल्ली आ चुका हूँ मेरे दोस्तों के साथ और हम लोगों ने कल रात को इधर पहुँचे और इधर आके हम लोगों ने होटल ले लिया। लोगों ने कल रात आके 4 बजे शायद पहुँचे थे, सुबह हो गया था ऑलमोस्ट, अभी उठे हैं 11 बज चुका है। दिखाएंगे जो जहाँ भी घूमेंगे, थोड़ा दिल्ली घूमने वाला हूँ, मेरा भी फर्स्ट टाइम है फोटो दिल्ली। एंड गाइस देख लीजिए थोड़ा रूम ऐसा है। गुड मॉर्निंग गणेश, गुड मॉर्निंग। ये हम दोनों ने ले लिया था, रूम का रेंट था 2000 और जो रूम का फिर भी सही रूम है और दो जन जो है उन लोगों का रूम बाहर, एक वो लोग सुबह उठ के ब्रेकफास्ट के लिए निकल गए। ये वाला रूम था मैगी और ये पूरी के साथ क्या लाएंगे, सब्जी आलू मटर का सही है। दीदी और जीजू के घर में आ गए सम्राट के, अभी घर का खाना मिल रहा है आफ्टर 1 वीक शायद। तो गाइस बढ़िया से हम लोग अभी निकल के आ गए फरीदाबाद से, हरियाणा से। और गाइस वो हरियाणा वाली वाइब को एकदम बढ़िया लगता है। अभी जा रहे हैं दिल्ली तक, अभी अंधेरा भी हो चुका है पूरी तरह से और सम्राट के दीदी के घर से निकल चुके हैं। अभी सीधे जाते हैं इंडिया के जाने वाले, तो उधर जाके मिलते हैं गाइस। चलिए अभी आ चुके हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है मैंने इंडिया गेट आ चुके हैं। और एक्चुअल में इंडिया गेट के बारे में मुझे इतना बोलने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि सबको पता है, अगर नहीं पता है तो गाइस गूगल कर लीजिए, इतना सोचने वाली बात नहीं। एक्चुअली ये इंडिया गेट जो वर्ल्ड वॉर 1 में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जितना इंडियन सोल्जर्स मारे गए थे, तो उनका एक वॉर मेमोरियल के हिसाब से उस समय में ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय पर 1918 या 1919 के समय पर ये बनाया गया था। तो उसी के चलते आज ये इंडिया गेट आप लोगों को देखने को मिल रहा है गाइस। और हम लोग बस आए हैं इवनिंग के वक्त पे, शाम के वक्त पे बहुत लोग हैं। और गाइस थोड़ा घूमते हैं, आसपास के नज़ारा दिखाते हैं, मुझे भी देखते हैं, चलिए आगे। और गाइस इंडिया गेट 42 मीटर्स मतलब 138 फुट टॉल है और कलर चेंज होता रहता है, कलर चेंज कर रहे वो लाइट्स वगैरह, बहुत ही बढ़िया खूबसूरत नज़र आएगा। Hey guys, welcome back to my YouTube channel. आज दिल्ली का दूसरा दिन है और आज का शाम नहीं, रात को ट्रेन है हम लोगों का 11 बजे, तो उससे पहले हम लोग कई जगह कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए गाइस, लाल किला, कुतुब मीनार, लोटस टेम्पल, तो चलिए। Thank you.
गाइस यहाँ पहुँचे हैं रेड फोर्ट और टिकट कर लिया है हम लोगों ने, तो अभी अंदर चलते हैं। चलिए चलिए गाइस, इधर से आए थे हम लोग। रेडफोर्ट के अंदर पूरा मार्केट एरिया है, दुकानें हैं, बहुत सारी दुकानें हैं, कुछ कुछ तो स्टेशनरी आइटम्स एंड ऑल, और कपड़े वाले भी दुकान भी है गाइस। अगर आप लोग आते हैं तो ख़रीद भी सकते हैं, अंदर ऐसा माहौल मिलेगा मैंने तो कभी सोचा नहीं था गाइस, बहुत अच्छा है, बहुत सारा दुकान है, माहौल बहुत बढ़िया है, बहुत लोग हैं अभी। हम लोग आ चुके हैं गाइस लाल किला से बाहर है शायद, पता नहीं इतना मुझे, और एक अभी एक कांच का घर दिखाई दे रहा है बाहर नहीं भाई, ये पूरा अंदर है कैंपस में, कैंपस में तो है लेकिन फिर भी क्या है ये म्यूजियम है शायद, म्यूजियम ही है बोर, इधर क्या ही देखे इधर ये सब, वही तो जो लोग पुराने ख्याल के लोग हैं ना जिनको हिस्ट्री जैसा बहुत प्यारे है वो लोग यहाँ पे आ सकते हैं। और स्पेशली ये तुम्हें सरप्राइज हो गया क्योंकि किले के अंदर पूरा मार्केट बना हुआ है। वही तो, वही मैंने बताया अभी, सोचा ही नहीं था इतना बड़ा मार्केट है और बहुत लोग भी है। किला है जो रेड फोर्ट है, इसे पहली बार 1947 पर फ्लैग होस्ट किया था 15 अगस्त को जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्हीं ने ये शुरुआत किया था और वो अभी तक चलते आ रहा है। उस समय से रिपब्लिक डे आए या इंडिपेंडेंस डे, वो एक प्राउड की चीज़ है हम लोगों के लिए, इंडियंस के लिए ना तो है नहीं देखने वाला। अगर फैमिली के साथ आते हो आप लोग तो बढ़िया है, इस शाम के नज़ारा बहुत बढ़िया लगता है, सही रहता है। तो गाइस निकल रहे हैं रेड फोर्ट से और दूसरी लोकेशन पे मिलते हैं, चलिए। पाँच बजने से 10 मिनट पहले हम लोग घुसे हैं और गाइस हम लोग आ चुके हैं, चलिए अंदर घुसे अभी और दिखाते हैं नज़ारा। गाइस बहुत लोग हैं और आके बहुत अच्छा लगा, ये जो लोटस टेम्पल है ये सब जितना भी देखने को मिल रहा है ये सब लोटस का पेटल्स है। और गाइस नीचे का जो नज़ारा है, ये पूल्स बना हुआ है साइड पे लोटस का, और वो देखकर बहुत सही लग रहा है, बहुत शांत है अंदर, मैंने दिखाया छुप के क्योंकि उधर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउ नहीं था, तो मैंने जो कुछ हुआ मैंने दिखाया गाइस, बहुत ही शांत और बहुत ही अच्छा माहौल है, जैसा चर्च वगैरह में देखने को मिलता है सेम वैसा ही है। और चलिए दिखाता हूँ आसपास की नज़र, yes।
तो गाइस लोटस टेंपल जो है वो लोकेटेड है दिल्ली पे, न्यू दिल्ली के इधर, और वो एक्चुअली अट्रैक्शन बन चुका है सिटी के लिए। वो 1986 या समथिंग उस साल के बीच में बना था और वो सिटी का एक मेन अट्रैक्शन है। हम लोग भी आए इधर, बहुत अच्छा लगा, बढ़िया था, ठीक ठाक से एक बार अंदर भी खुश पाए, क्योंकि 5 बजे बंद होता है, टाइमिंग रहता है 5 PM तक, और फिर भी अभी 5:30 हो चुका है, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाता हूँ 5:30 हो चुका है, फिर भी किसी तरह हम लोग खुश है जल्दबाजी में, फिर थोड़ा घूमे, दिखा दिया आप लोगों को भी, बढ़िया लगा, बहुत लोग थे। तो आज दिन का पहली नाश्ता, शायद सुबह से ब्रेकफास्ट के बाद यही मिला है, सही है, सही है, बहुत सही है। 70 रुपये का इसको, इसको सबका लेना रहता है। तू मेरे से क्यों खा रहा है, निकल। तो गाइस एप्पल ले लिया, एप्पल एप्पल रात का जुगाड़, और अभी सरोजनी मार्केट आए हैं, कुछ खरीद लेते हैं दिल्ली से जाते जाते। तो गाइस हम लोग फाइनली स्टेशन आ चुके हैं ओल्ड दिल्ली का, और हम लोग अभी प्लेटफॉर्म पे जाने वाले हैं। चलते हैं, इस वीडियो को एंड करते हैं, समय आ चुका है गाइस, और रिटर्न का हम लोग कुछ दिखाने नहीं वाले। तो गाइस सफ़र बढ़िया था, सक्सेसफुल प्लान, सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन के साथ, और ये ब्लॉग एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग पे, एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल गाइस।